कैनेडा तो डिपोर्ट होने वाली पंजाबन विद्यार्थन के बारे एक वड्डी खबर सामने आई है, जिथे उसकी डेपोटेशन रोक दी गई है। अदालत ने आरजी तौर के उपर करमजीत कौर की डेपोटेशन के उपर रोक लगाई गई है। जी हाँ, कैनेडा की फैडरल कोर्ट ने इस संबंधी अपना फैसला सुनाया। करमजीत कौर कैनेडा विच एडमिंटन अंदर रह रही सी। जानकारी मुताबक करमजीत कौर नू सोमवार सवेरे 6 बजे डिपोर्ट किया जाना सी। शनिवार नू जस्टिस एलन ने करमजीत नू कैनेडा तो भेजे जाने के फैसले से अस्थाई रोक लगा दी। कैनेडा बॉर्डर सर्विसिज एजेंसी के अधिकारी वालों करमजीत की डेपोटेशन दे विच देरी ना करने के फैसले की न्यायिक समीक्षा होने तक उसनू कैनेडा विच रहने की आग्या मिल गई है। जस्टिस वालों कहा गया कि यह रोक भावें उही राहत प्रदान करती है जो न्यायिक समीक्षा विच मंगी गई सी, पर उन्हां कहा कि अजे भी इस बारे खुले सवाल हैं कि अधिकारियों ने भारत विच करमजीत की वापसी के संभावी जोखमां नूं मुनासिब तरीके दे नाल विचारिया सी या नहीं। करमजीत 5 साल पहला स्टडी वीजे ते पंजाब तो कैनेडा आई सी। उसके परिवार ने उसनू कैनेडा भेजन वास्ते एक इमीग्रेशन एजेंट के नाल संपर्क किया। करमजीत नू साल 2018 विच ओंटेरियो दे जिस कॉलेज दे एडमिशन लैटर दे आधार ते स्टडी परमिट मिलिया, ओ लैटर नकली निकलिया। चाहे कैनेडियन अधिकारियों ने मन्या कि लड़की नू नहीं पता सी कि उसका दाखला पत्र फर्जी है, पर उन्हां दा कहना है कि अपने दाखले की पुष्टि करन दी आखिर जिम्मेवारी उसकी बनती सी। करमजीत दे वकील दा भी इस बारे पक्ष सामने है, जिथे उन्होंने कहा कि जदों तक मनुक्तावादी आधार से उसकी एक दूसरी अर्जी प्रोसैस नहीं होंगी उदों तक करमजीत नूं कैनेडा विच रहने की आग्या मिलनी चाहिए है। वकील का कहना है कि करमजीत नूं वापस भेजा जाना उसकी जान नूं खतरे विच पा सकता है, क्योंकि इस मामले तो बाद उस ठगी इमीग्रेशन एजेंट खिलाफ अपराधक मामले दर्ज हुए हैं। इस तों इलावा कहा गया कि वह एजेंट पुलिस की गिरफ्त विच नहीं है ते वह करमजीत ते तेजाब सुट्टण अते परिवार नूं नुकसान पहुंचाउण वास्ते धमकियां दे चुका है। वकील ने दसिया कि पिछले एतवार पंजाब विच रहिंदे करमजीत दे भरा नूं बुरी तरह मारिया कुटिया गया।